हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आपको पता ही है कि गारी टोकन का जो मैक्सी ग्लोबल पे एमडे लॉन्च पे चल रहा है और हुबे ग्लोबल पे भी चल रहा है प्राइम लिस्ट में। गारी टोकन दोनों कल 18 तारीख को लिस्ट होने वाले हैं। तो मैंने कैसे पार्टिसिपेट किया, मैं आपको दोनों अकाउंट में जाके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं मैक्सी ग्लोबल में दिखाऊं कि मैंने कैसे पार्टिसिपेट किया। तो आपको पता ही है एमडे गारी नेटवर्क जो 17 जान से सब्सक्रिप्ट पीरियड कब चालू होगा, 17 जान से लेके 18 जान जनवरी तक, बराबर। तो मैंने उसमें हम चलते हैं और देखते हैं मैंने कैसे पार्टिसिपेट किया और मैंने क्या क्या किया। तो मैक्सी ग्लोबल में आपको पता ही है कि दो तरीके से आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, या ट्रेडिंग करते या मैक्स जो एमएक्स टोकन है उसको होल्ड करके। तो मैंने कैसे पार्टिसिपेट किया, मैंने दोनों तरीके से पार्टिसिपेट किया है, ट्रेडिंग करके भी पार्टिसिपेट किया और मैंने होल्ड करके भी पार्टिसिपेट किया। तो मेरे पास कितना है चलिए देखते हैं। एमडे में अगर मैं जाके क्लिक करता हूँ तो वहाँ पे दो तरीके से बताएंगे, ट्रेडिंग और एमएक्स होल्डिंग राउंड। तो अभी एमएक्स ट्रेडिंग राउंड भी चल रहा है और एमएक्स होल्डिंग राउंड भी चल रहा है, सिर्फ 8 घंटे बच गए हैं। तो हम वो भी चेक करेंगे कि सबसे पहले ट्रेडिंग राउंड में चल के मैं दिखाता हूँ मेरी कितनी ट्रेडिंग हुई है। ट्रेडिंग राउंड में अगर आप देख ही सकते हो स्पॉट ट्रेडिंग वॉल्यूम, मैंने 11,661 डॉलर का मैंने ट्रेडिंग किया। तो अगर आप कर सकते हो ट्रेडिंग इतना तो ही करना, बाकी बहुत सारा उसमें चार्ज कटता है, जो ट्रांजैक्शन फीस या जो ट्रेडिंग फीस रहती है बहुत ज़्यादा हमें ट्रांजैक्शन फीस उसमें ट्रेडिंग फीस कटती है। तो अगर आप कर सकते हो तो ही करना। उसमें पहले तो क्या होता था कि 10,000 USDT से ज़्यादा आप ट्रेडिंग करो तब जाकर एक टिकट मिलती थी, लेकिन अभी जो गारी नेटवर्क आया है उसके अंदर क्या है, आप 1,000 से लेकर 10,000 USDT तक आप ट्रेडिंग करोगे तब आपको एक टिकट मिलेगी, और 10,000 से लेके 30,000 ट्रेडिंग करोगे USDT में तो आपको दो टिकट मिलेगी। तो मेरे को पता नहीं था इसलिए मैंने पहले की तरह 10,000 का वॉल्यूम का ट्रेडिंग कर लिया। तो मेरे को अब इसमें दो टिकट मिलेगी क्योंकि 11,000 हो गया मेरा USDT ट्रेडिंग। और एमएक्स होल्डिंग राउंड में भी मैं आपको दिखा दूंगा मेरे पास कितने एमएक्स पड़े हुए हैं अभी। अब चाहते हैं एमएक्स होल्डिंग राउंड में, तो एमएक्स में मेरे पास 509 एमएक्स टोकन पड़े हैं। तो यहाँ पे भी सिर्फ 8 घंटे बाकी हैं, 8 घंटे ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद मैं यहाँ पे सब्सक्रिप्शन कर सकता हूँ, यानी मेरे को टिकट अलॉट होगी। तो मेरे को एमएक्स होल्डिंग राउंड के अंदर सिर्फ एक टिकट अलॉट होगी क्योंकि एमएक्स होल्डिंग राउंड के अंदर 500 से 1,000 अगर आपके पास एमएक्स है तो आपको एक टिकट मिलता है, 1,000 से ज़्यादा है तो उस तरह आपको 2 से ज़्यादा टिकट मिल सकता है। लेकिन मेरे पास अभी 500 एमएक्स है तो मेरे को एक टिकट यहाँ पे मिलेगी। और ट्रेडिंग राउंड में मेरे को कितने टिकट मिलेगी, ट्रेडिंग राउंड में मेरे को दो टिकट मिलेगी क्योंकि 1,000 से ज्यादा हो, 1,000 से लेके 10,000 के बीच में ट्रेडिंग अगर किया आपने तो एक टिकट मिलेगी, और 10,000 से ज्यादा ट्रेडिंग किया तो आपको दो टिकट मिलेगी। ठीक है, ये मेरी एडवाइस नहीं है, आप अगर ट्रेडिंग करना चाहते हो ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है, अगर आपके पास पैसे है तो ट्रेडिंग कर सकते हो, बाकी सिर्फ मेरे को टिकट अलॉट होगी। अब देखते हैं मेरे को 3 टिकट में से मेरे में अगर मेरा नसीब रहा तो मेरे को कितनी टिकट अलॉट होती है, और अगर एक टिकट अलॉट हुई तो मेरे को 200 गारी टोकन मिलेंगे। ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0.2 के हिसाब से उसकी वैल्यू होगी 0.2 × 240 के हिसाब से मेरे को टोकन अलर्ट हो गया अगर मेरा नसीब रहा तो। ठीक है, अब चलते हैं हुबे ग्लोबल के प्राइम लिस्ट में, वहां पे मैंने कैसे ट्रेडिंग की वो भी आपको दिखाता हूं। तो हम आ गए अभी हुबे ग्लोबल के प्राइम लिस्ट में। तो हुबे ग्लोबल के एक्सचेंज पे आ चुके थे हम प्राइम लिस्ट तो हम प्राइम लिस्ट में जाएंगे अभी। वहाँ पे प्राइम लिस्ट में अभी 1 दिन और 4 घंटे सब्सक्रिप्शन पीरियड में बचा हुआ है, तो हम वहाँ जाके चेक करेंगे कि यहाँ पे हम कैसे पार्टिसिपेट कर सकते थे। यहाँ पे हम ST होल्डिंग करके और ट्रेडिंग करके यहाँ पे भी पार्टिसिपेट कर सकते थे। तो आपकी यहाँ पे जो डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना होना चाहिए था, आपको रोज 200 USDT आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम होना चाहिए था 12 से लेकर 18 तक जब से चालू हुआ था तब, या तो फिर कोई एक दिन आपको $1,200 का ट्रेडिंग करना था। तो मैंने एक ही दिन में ट्रेडिंग कर लिया तो मेरे का जो डेली एवरेज ट्रेडिंग वॉल्यूम हो गया 421, यानी यहाँ पे मेंटेन होना चाहिए आपका 200 USDT ट्रेडिंग मेंटेन होना चाहिए। तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ मैंने कब ट्रेडिंग किया था। अब देख ही सकते हो कि 12 तारीख को 0 ट्रेडिंग वॉल्यूम, 13 तारीख को 0, 14 तारीख को 0, लेकिन 15 तारीख को मैंने 3,000 USDT का एक ही साथ में ट्रेडिंग कर दिया, तब जाके मेरे को मेरा जो एवरेज ट्रेडिंग वॉल्यूम हुआ 400 हुआ। तो यहाँ पे भी मेरे को बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग फीस कटी थी, कम से कम यहाँ पे भी मेरे को 15 से लेके $20 तक का ट्रेडिंग फीस कटी थी। तो अगर आप इतना कर सकते हो तभी जाके आप ट्रेडिंग करना, बाकी तो ट्रेडिंग मत करना क्योंकि बहुत ही यहाँ पे
प्रॉब्लम हो रही है कि बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग फीस कट रही है, ठीक है गाइस। तो आप अगर डेली 200 USDT का ट्रेडिंग वॉल्यूम करना चाहते हो तो सबसे बेस्ट है, और अगर आप नहीं कर सकते तो कोई एक दिन में आप $1200 का ट्रेडिंग वॉल्यूम कर लेना, तो आपकी जो डेली एवरेज वॉल्यूम हो जाएगी 200 USDT हो जाएंगे, ठीक है। मैंने इस तरह पार्टिसिपेट किया दोनों में, हुबे ग्लोबल और मैक्सी ग्लोबल के अंदर। तो अगर आप लोगों ने अभी तक दोनों एक्सचेंज ज्वाइन नहीं किया तो मैंने दोनों की डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दी हुई, तो आप दोनों ज्वाइन कर सकते हो और कुछ टास्क करके आप उसमें भी पैसा कमा सकते हो। मैक्सी ग्लोबल में भी बहुत आपको 10% ऑफ मिलेगा कोई भी ट्रेडिंग करोगे, और हुबे ग्लोबल में भी अभी अच्छी स्कीम चल रही है, तो वहाँ पे भी आप पार्टिसिपेट करके डिपॉजिट करके बहुत अच्छे खासे सिप टोकन भी कमा सकते हो, ठीक है गाइस। बस यही था बताना था आपको कि गारी टोकन सिर्फ एक दिन बचा हुआ है, मैंने किस तरह दोनों में पार्टिसिपेट किया ट्रेडिंग करके होल्डिंग करके। यहाँ पे मैंने HT होल्डिंग नहीं किया हुबे ग्लोबल पे, लेकिन मैंने कहाँ पे होल्डिंग किया है, मैंने सिर्फ मैक्सी ग्लोबल में MX टोकन होल्डिंग किया हुआ है, ठीक है गाइस। तो अभी उसका सब्सक्रिप्शन पीरियड चलेगा, कब चालू होगा, 18 तारीख को 10 UTC के टाइम के हिसाब से, तब जाके मेरे को यहाँ पे मिनिमम 50 USDT को यहाँ पे कमिट करना पड़ेगा, और वहाँ पे मेरा जो MX ग्लोबल के अंदर है 500 MX मेरे को वहाँ पे मेरे अकाउंट में रखना पड़ेगा। तो अगर मेरे को टिकट अलॉट होता है तो उसके हिसाब से वो MX उतने कट जाएंगे, ठीक है, ओके।